हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल 2017 टीयर 1 का सेट 5, और ये पेपर कंडक्ट हुआ था 8 अगस्त 2017 को मॉर्निंग शिफ्ट में। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन पेपर को। इस क्वेश्चन पेपर में 25 क्वेश्चन हैं, जैसे कि टीयर 1 में आते हैं, और ये हैं आपके इरर के क्वेश्चन। देखिए, ये है फर्स्ट क्वेश्चन, आप यहाँ पर देख सकते हैं, और बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट पर ये आधारित क्वेश्चन है। नो सूनर डिड आई कम आउट ऑफ माई होम टू गो टू मार्केट व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग हैवीली विच ड्रेंच्ड मी कम्प्लीटली। ठीक है, जैसे ही मैं घर से बाहर निकला मार्केट में जाने के लिए, तेज बारिश होने लगी और उसने मुझे पूरी तरीके से भिगो दिया। ड्रेंच का अर्थ होता है भिगोना, ठीक है, ड्रेंच या पानी में भीग जाना। अब देखिए, यहाँ पर आपको दो तीन कॉन्सेप्ट ध्यान में रखने हैं कि नो सूनर एक नेगेटिव वर्ड है, और नो सूनर यदि सेंटेंस में शुरू में आता है तो इसमें हम सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब में सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को इन्वर्ट कर देते हैं, उसका उसका जो सीक्वेंस है उसको उल्टा कर देते हैं। यानी पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, यदि कोई निगेटिव वर्ड आता है सेंटेंस के शुरू में। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, चूँकि नो सूनर एक निगेटिव वर्ड है इसलिए हम आई डिड नहीं बोलेंगे, डिड आई बोलेंगे। ठीक है, तो ये सही है, लेकिन यदि आई डिड आप यहां पर रखेंगे तो ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। अब नो सूनर जो है, नो सूनर के बाद हम लगाते हैं देन, टी एच ए एन, वैन हम नहीं लगाते। तो यहां पर ये जो वर्ड है ये गलत है। अब ये जो वर्ड है ये किस पार्ट में है, ये है आपका सेकंड पार्ट में, तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा आपका सेकंड। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट आपको ये देखना है सब्जेक्ट वर्ब इन्वर्जन का, और नो सूनर के बाद हम टी एच ए एन देन लगाते हैं, वैन या टी एच ई एन देन हम नहीं लगाते। यहां पर इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, नो सूनर इज फॉलोड बाय देन, नो सूनर के बाद हम देन लगाते हैं, और हार्डली और स्केसली के बाद हम वैन लगाते हैं। नो सूनर के बाद हम देन लगाते हैं टी एच ए एन देन, ये वाला देन नहीं आएगा। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिए, टी एच ए एन देन आएगा, और हार्डली और स्केसली इसके बाद हम लगाते हैं वैन। और एक ये सब्जेक्ट इन्वर्जन का जो रूल है इसको आप ध्यान रखिए, इस पर भी आधारित क्वेश्चंस एसएससी एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ये भी एक बेसिक क्वेश्चन है, अनलेस यू डू नॉट ओबे योर एल्डर्स यू विल नॉट सक्सीड इन योर लाइफ। यदि आप अपने बड़ों की इज्जत नहीं करते हैं तो आप अपनी लाइफ में सफल नहीं होंगे। ये अनलेस वाले जो सेंटेंस होते हैं इसमें दो पार्ट होते हैं, ठीक है, एक तो ये है आपका कंडीशन पार्ट, जिसमें कंडीशन लगी हुई है, जिसमें शर्त लगी हुई है कि यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा नहीं होगा। ये है आपका रिजल्ट पार्ट, यहाँ पर हम रिजल्ट को शो कर रहे हैं, यहाँ पर हम कंडीशन को शो कर रहे हैं। तो कंडीशन वाले पार्ट में इस तरह के वर्ड आते हैं, अनलेस, इफ, व्हेन, अनटिल, ठीक है, तो इस तरह के इसमें, यहाँ पर मैं आपको दो तीन कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि कंडीशनल जो पार्ट है इसको आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस में रखना है, हमेशा इसको प्रेजेंट सिंपल टेंस में रखना है। और इसमें अनलेस चूंकि एक निगेटिव वर्ड है इसलिए इसके साथ डू नॉट का प्रयोग नहीं होगा। अनलेस का अर्थ होता है इफ नॉट, और डू नॉट का अर्थ होता है डू नॉट, तो इसमें मतलब आपके दो नॉट आ गए यहाँ पर, इसलिए ये सेंटेंस आपका गलत है। तो फर्स्ट पार्ट जो होगा ये आपका गलत पार्ट है, यानी यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो होगा फर्स्ट। अनलेस जो है एक निगेटिव आपका वर्ड है, तो डबल निगेटिव का यहाँ पर आपकी गलती आ गई है, ठीक है। और सक्सीड जो है ये वर्ब है, इसका अर्थ होता है सफल होना। सक्सेस एक नाउन है और सक्सीड एक वर्ब है, इन दोनों में अंतर भी आपको पता होना चाहिए। सक्सेस एक नाउन है, सक्सीड एक वर्ब है, और सक्सीड की जो सेकेंड फॉर्म होती है वो सक्सीडेड होती है, थर्ड फॉर्म जो होती है वो सक्सीडेड होती है। अनलेस, अनटिल, इफ, व्हेन और व्हाइल, इनके बाद हम हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही प्रयोग करेंगे। यदि यहाँ पर मैं ऐसे लिख देता हूँ अनलेस यू विल नॉट ओबे, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सही सेंटेंस होगा अनलेस यू ओबे, यहाँ पे डू नॉट नहीं आएगा, और डू नॉट के स्थान पर विल नॉट भी नहीं आएगा, क्योंकि अनलेस वाला पार्ट है इसको हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में हमेशा रखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, 14 किलोमीटर्स नॉट ए सच डिस्टेंस टू रीच टू माई ऑफिस। अब देखिए, 14 किलोमीटर्स अपने आप में, यदि किलोमीटर्स के सेंस में देखें तो ये एक से ज़्यादा किलोमीटर्स हैं, ठीक है। तो 14 के बाद हमने किलोमीटर्स में इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पर 14 का नंबर है, लेकिन 14 किलोमीटर्स अपने आप में एक डिस्टेंस है, और डिस्टेंस क्या है, एक सिंगुलर नाउन है।
ठीक है, इस चीज़ को बहुत ध्यान से, एक अच्छा क्वेश्चन है ये, एक बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है। जब हम प्लूरल नंबर को डिस्टेंस, वेट और हाइट पर अप्लाई करते हैं, जब हम प्लूरल नंबर को, बहुवचन संज्ञा को डिस्टेंस पर, वेट पर और हाइट पर हम अप्लाई करते हैं, तो उसको हमेशा हम सिंगुलर लेते हैं। 14 किलोमीटर्स इज ए डिस्टेंस, मतलब 14 किलोमीटर्स तो है, लेकिन 14 किलोमीटर्स है क्या, वो दूरी है, वो एक डिस्टेंस है, और डिस्टेंस जो है वो एक सिंगुलर है, तो इसलिए यहाँ पर हम इसका प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग नहीं करेंगे। तो सी इसमें आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। गुड रीडिंग द सेंस ऑफ लिबरल एजुकेटेड माइंड, मतलब गुड रीडिंग इस चीज को बताती है कि आप एक एजुकेटेड व्यक्ति हैं। तो यहां पर देखिए, गुड रीडिंग रीड्स तो आएगा नहीं, इसका तो कोई सेंस नहीं बन रहा। गुड रीडिंग बिलीव्स, इसका भी कोई सेंस नहीं बन रहा। गुड रीडिंग स्टार्ट्स, कोई सेंस नहीं बन रहा। गुड रीडिंग रिफ्लेक्ट्स, मतलब गुड रीडिंग ऐसा बताती है। अब यहाँ पर हम ये जो सेंटेंस है, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, और गुड रीडिंग जो है, देखिए यहाँ पर आप एक वर्ब, ये वर्ब का स्थान है, यहाँ पर आप कोई भी वर्ब लगाएंगे, ये आपका ऑब्जेक्ट इसको मान सकते हैं, इसको सब्जेक्ट मान सकते हैं, ये सब्जेक्ट है, यहाँ पर वर्ब आएगी और ये है आपका ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट या नाउन की पोजिशन है। और प्रेजेंट सिंपल टेंस में जो वर्बल नाउन होती है उसको हम सिंगुलर में लेते हैं। जैसे वॉकिंग इज़ ए गुड एक्सरसाइज, तो वॉकिंग जो है वो यहाँ पर आपका एक नाउन है, वॉकिंग इज़ ए गुड एक्सरसाइज। तो गुड रीडिंग जो है यहाँ पर एक नाउन है और सिंगुलर नाउन है ये। जेरेंड जो होता है, जिसको हम वर्बल नाउन बोलते हैं, इसको हम हमेशा सिंगुलर में लेते हैं, तो इसलिए यहाँ पर रिफ्लेक्ट्स जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग या रिफ्लेक्टेड ऐसे अगर वर्ड होते, ये सेंटेंस शायद गलत होता, तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा सी। हालांकि इस तरह के ऑप्शंस इसमें नहीं दिए हैं कि रिफ्लेक्टेड या रिफ्लेक्टिंग, हैज रिफ्लेक्टेड, इस तरह के ऑप्शन इसमें नहीं दिए हैं। यहाँ पर आपको सही जो आंसर होगा वो होगा सी। और वर्बल नाउन जो होती है, जेरेंड जो होता है, उसको हम सिंगुलर हमेशा काउंट करते हैं। यहाँ पर ये सिमिलर वर्ड्स कुछ पूछे गए हैं आपसे। फ्रोबोलस बहुत ही अच्छा वर्ड है। फ्रोबोलस का अर्थ होता है एकदम से स्टूपिड या एकदम से मूर्खतापूर्ण या सिली। और फ्रोबोलस के यहाँ पर मैंने सिनोनिम्स आपको बताए हैं। फ्लिपेंट हो एक होता है, एक ग्लिब होता है, एक इनेन होता है, ये सारे फ्रोबोलस के सिनोनिम हैं। और प्यूराइल के सिनोनिम ये दिए हैं, एडोलोसेंट होता है, इन्फेंटाइल, इन्फेंटाइल मतलब बच्चों जैसा, जुबेनाइल मतलब बच्चों जैसा, तो ये दोनों एक ही वर्ड हैं। और यहाँ पर इसका सही आंसर जो होगा फ्रोबोलस का, वो होगा प्यूराइल, यानी सी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। और ये एक्स्ट्रा वर्ड मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इनको भी आपको याद करना है। फ्रोबोलस के सिनोनिम हैं फ्लिपेंट, ग्लिब और इनेन, और प्यूराइल के हैं एडोलोसेंट, इन्फेंटाइल और जुबेनाइल। ठीक है, आगे हम देखते हैं पेट्रीफाई का क्या अर्थ है। पेट्रीफाई, पेट्री एक्चुअली जो रूट वर्ड है उसका अर्थ होता है स्टोन या पत्थर। ठीक है, तो पेट्रीफाई का, किसी चीज़ को पेट्रीफाई हम करते हैं तो उसको हम हार्ड बना देते हैं, उसको फॉसिलाइज कर देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए पेट्रीफाई का सही सिनोनिम होगा यहाँ पे हार्डन, उसको कड़ा करना। हार्डन का अर्थ होता है, हार्डन एक वर्ब है और इसका अर्थ होता है किसी चीज़ को कड़ा करना, सॉफन इसका उल्टा होगा। ठीक है, तो पेट्रीफाई का चूंकि यहाँ पर सिमिलर वर्ड पूछा गया है, सिनोनिम पूछा गया है, इसलिए हार्डन जो होगा यहाँ पर इसका आपका सिनोनिम होगा। और अडॉर्न का अर्थ होता है सजाना, किसी चीज़ को डेकोरेट करना। काम का अर्थ होता है शांत। क्यूरियस का अर्थ होता है जिज्ञासु। और ये हैं आपके पेट्रीफाई और अडॉर्न के सिनोनिम्स। पेट्रीफाई का एक होगा फॉसिलाइज, एक होगा फ्राइटन यानी डर जाना, स्केयर का अर्थ भी डर जाना होता है। अडॉर्न का अर्थ होता है एम्बेलिश यानी सजाना, और ये एक अच्छा वर्ड है टिटीवेट, टिटीवेट का अर्थ भी सजाना होता है। गार्निश, ये कुकिंग में यूज होता है ये वर्ड, और गिल्ड। तो यहाँ पर टिटीवेट और गिल्ड, ये दोनों इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, इसका अर्थ होता है सजाना या एम्बेलिश करना। एम्बेलिशमेंट इसका नाउन होता है। ठीक है, तो ये हैं वर्ड, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं ये। हम 8/8/2017 के रियल क्वेश्चंस मॉर्निंग शिफ्ट के सीजीएल एग्जाम के हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। आगे हम देखते हैं ग्रीगेरियस। ग्रीगेरियस मतलब जो एक मिलनसार व्यक्ति है, जो ग्रुप में रहना पसंद करता है, उसको हम बोलते हैं ग्रीगेरियस। लेकिन यहाँ पर आपको अपोजिट वर्ड बताना है, आप ध्यान से देखिए, अपोजिट वर्ड आपको बताना है, एंटोनिम बताना है।
तो ग्रीगेरियस का अफेबिल, जीनियल और अर्बेन, ये तो इसके सिनोनिम वर्ड हैं, मिलते जुलते वर्ड हैं। अफेबिल का अर्थ होता है फ्रेंडली, जीनियल का अर्थ भी होता है फ्रेंडली, और अर्बेन का अर्थ होता है वेल मैनर्ड। ठीक है, तो ग्रीगेरियस का जो एंटोनियम होगा वो होगा आपका इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट यहाँ पर इसका सही आंसर होगा ग्रीगेरियस का। आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी सारे वर्ड मैंने एक्सप्लेन किए हैं, आउटगोइंग, सोशेबल, कंपेनिएबल, एक्सट्रोवर्टेड और अनरिजर्व, ये हैं ग्रीगेरियस के सिनोनिम्स, ये हैं इसके एंटोनिम्स। इसमें आपका रेटिसेंट और टेसिटन दो इम्पोर्टेंट वर्ड हैं, अफेबल का होगा जीनियल और फ्रेंडली, और अर्बेन का होगा डेबोनियर, रिफाइंड, सॉब और पॉलिश्ड। तो यहाँ पर ये डिटेल में मैंने काफ़ी सारे वर्ड दिए हैं, इनको भी आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रेबुलस, यहाँ पर इसका अपोजिट वर्ड आपको बताना है। और ट्रेबुलस मतलब यहाँ पर काफ़ी शोरगुल है या नॉइज़ है, तो उसको हम बोलेंगे ट्रेबुलस। और इसका अपोजिट होगा आपका स्टेबल, मतलब ट्रेबुलस का मतलब जिसमें काफ़ी काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल है, काफ़ी ज़्यादा शोरगुल है, उसको हम बोलते हैं ट्रेबुलस। और इसका सिनोनिम जो होगा, इसका एंटोनिम जो होगा वो होगा स्टेबल या स्टेडी। ठीक है, फीबल का अर्थ होता है बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर, और फ्रूगल का अर्थ होता है इकोनॉमिकल, जो ज़्यादा पैसे खर्च करना पसंद नहीं करता। तो ट्रेमुलस का आप देख सकते हैं यहाँ पर अनस्टेडी, क्विबरिंग, ये इसके सिनोनिम है, और एंटोनिम होगा इसका स्टेडी या स्टेबल। फ्रूगल का होगा थ्रिफ्टी, इकोनॉमिकल और पेनी वाइज, और फीबल का होगा वीक। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, द अल्फा एंड द ओमेगा, क्या मतलब होता है इसका। द अल्फा एंड ओमेगा, इसका अर्थ होता है किसी भी चीज़ की बिगिनिंग और एंड। बिगिनिंग एंड द एंड को हम बोलते हैं अल्फा एंड ओमेगा, और इसका एक मतलब और होता है किसी भी चीज़ का मुख्य पार्ट, द प्रिंसिपल एलिमेंट ऑफ समथिंग, उसको भी हम अल्फा और ओमेगा बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं थ्रो अप द स्पंज। थ्रो अप द स्पंज एक अच्छा इडियम है, और ये 2017 में पूछा गया है, और इसका अर्थ होता है हार मान लेना, डिफीट मान लेना या सरेंडर कर देना। तो सी इसका सही आंसर होगा, थ्रो अप द स्पंज। यहाँ पर आप पूरा डिटेल उसका देख सकते हैं, और इस वीडियो को पॉज करके कुछ सेंटेंसेस भी इसके आप पढ़ सकते हैं। ये हैं सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के कुछ क्वेश्चन, और ये एक नया पैटर्न है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक वर्ड जो दिया है ब्रैकेट में, इसको आपको इम्प्रूव करना है। यदि आपको लगता है कि इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता इसका, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा नो इम्प्रूवमेंट। आई हैड अ फ्यू एग्स इन द फ्रिज, सो वी नीड टू गो टू द मार्केट टू बाय देम। ठीक है, आई हैड ए फ्यू एग्स इन द फ्रिज, सो वी नीड टू गो टू द मार्केट टू बाय देम, मतलब हमारे फ्रिज में एक भी अंडा नहीं था। देखिए, हम मार्केट कब जाएंगे, जब हमारे फ्रिज में एक भी एग नहीं होगा या बिल्कुल भी सामान नहीं होगा। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि यहाँ पर आपको जो सेंस बताना है वो ना के बराबर का बताना है, मतलब हमारे फ्रिज में चूंकि एक भी एग नहीं था, ना के बराबर एग थे, इसलिए हमें मार्केट जाना पड़ा। तो ना के बराबर का जो सेंस हम बताते हैं, वो बताते हैं हम फ्यू से। ए फ्यू का अर्थ होता है सम, यानी कुछ, यदि कुछ एग्स ऑलरेडी हैं तो हम मार्केट क्यों जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर लॉजिक देखिए, बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको चूंकि ना के बराबर का सेंस बताना है, इसलिए हम यहाँ पर लगाएंगे फ्यू। फ्यू और लिटिल, इनमें बेसिक डिफरेंस ये है कि फ्यू हम ऐसी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जो काउंटेबल नाउन होती हैं, और लिटिल जैसे अनकाउंटेबल नाउन होती हैं, जैसे एक्स को हम गिन सकते हैं, तो इसलिए इसके लिए हमने फ्यू लगाया है। अब यदि हुआ शुगर या ऑयल या वाटर, इस तरह की चीज़ों के लिए हम लिटिल लगाएंगे जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। फ्यू लगाते हैं हम काउंटेबल के लिए, डिटेल लगाते हैं हम अनकाउंटेबल के लिए। और यहाँ पर मैंने बहुत ही डिटेल में फ्यू का क्या मतलब है, लिटिल का क्या मतलब है, ए फ्यू का क्या मतलब है, इन सभी के मीनिंग मैंने बहुत डिटेल में दिए हैं। फ्यू का अर्थ होता है ना के बराबर, ए फ्यू का अर्थ होता है सम, दा फ्यू का अर्थ होता है जितने भी हैं सारे। उसी तरीके से लिटिल का अर्थ है, लेकिन लिटिल को हम लगाते हैं अनकाउंटेबल के लिए और फ्यू को लगाते हैं हम काउंटेबल के लिए, ये इस पर बेसिक डिफरेंस है। तो यहाँ पर आप ये सारे सेंटेंस आप देख सकते हैं, जैसे द फ्यू का मैं आपको बता देता हूँ, द फ्यू सजेशंस दैट ही गेव वर वेरी यूजफुल, मतलब उसने जितने भी सजेशंस दिए वो सारे के सारे काफ़ी यूजफुल थे। ठीक है, ये मतलब है द फ्यू का।
ए फ्यू का मतलब होता है सम और फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर। उसी तरीके से लिटिल का है, लेकिन लिटिल को हम यूज करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के लिए। यहां पर सेंटेंस इंप्रूवमेंट का दूसरा क्वेश्चन है, माय ब्रदर इज इंडिफरेंट अबाउट वट एवर आई से, जो कुछ भी मैं कहता हूं मेरा ब्रदर उसके बारे में इंडिफरेंट है, अनकंसर्न है उसके बारे में। इंडिफरेंट के बाद 80% केसेस में हम टू का प्रयोग करते हैं, हालांकि इंडिफरेंट के बाद अबाउट भी आता है, टुवर्ड भी आता है, लेकिन 80% केसेस में अनकंसर्न होने के लिए हम इंडिफरेंट के बाद टू का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर इंडिफरेंट के बाद आपका जो सही आंसर होगा वो होगा टू, ठीक है। ये है इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड, आपको देखना है एसएससी में इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड भी पूछे जाते हैं, करेक्टली स्पेल्ट वर्ड भी पूछे जाते हैं। तो यहां पर आपको ऐसा वर्ड देखना है जिसकी स्पेलिंग इनकरेक्ट है, गलत है, ठीक है। तो गारंटी जो है इसकी स्पेलिंग सही है, आई टी नी ररी इसकी स्पेलिंग सही है, राइटिंग की स्पेलिंग सही है, मैग्निफिसेंट गलत है, एम ए जी एन आई एफ आई सी ई एन टी इसमें आई जो है इसमें एक्स्ट्रा है, तो मैग्निफिसेंट यहां पर आपका इसमें आपका सही आंसर होगा। यहां पर कौन सी स्पेलिंग गलत है, एक्सक्यूजिट ये सही है, रेस्टोरेंट सही है, स्केवेंजर सही है, एटिक्वेट में ई टी आई क्यू यू ई डबल टी ई ये होती है एटिकेट की स्पेलिंग, तो एटिकेट यहां पर सही आंसर आपका होगा। इन सभी वर्ड्स के मीनिंग मैं बता देता हूं, स्केवेंजर क्या होता है, स्केवेंजर एक ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं जो डिस्कार्डेड आइटम्स जो होता है, जो आपने देखे होंगे लड़के कुछ सड़क पर घूमते रहते हैं और पॉलीथिन बैग्स और इस तरह की चीज़ों को इकट्ठे करते रहते हैं, उसको हम बोलते हैं स्केवेंजर। और एक एनिमल को भी हम स्केवेंजर बोलते हैं जो डेड प्लांट्स को खाता है या उसके ऊपर फीड करता है। तो दो इसके मीनिंग है स्केवेंजर के, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये फर्स्ट मीनिंग है और ये सेकेंड मीनिंग है। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अ फ्यूनरल पोयम, ठीक है। जब किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है उसको शमशान ले जाया जाता है, वहाँ उसका अंतिम संस्कार होता है, वहाँ पर जो पोयम या जो सॉन्ग गाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, अ फ्यूनरल पोयम, उसको हम बोलते हैं एलिजी, ठीक है। पेंडीमोनियम शोरगुल होता है, इन सबके मीनिंग हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। एलिजी का अर्थ होता है फ्यूनरल सॉन्ग, पेंडीमोनियम का अर्थ होता है कैओस मेहम बेडलम यानी शोरगुल। तो यहाँ पर ये जो वर्ड दिए हैं ये शोरगुल के लिए दिए हैं, कैओस मेहम बेडलम रैकेट ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, और इसमें मेहम जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका एंटोनिम होगा काम और पीस शांति। पैरोडी का अर्थ होता है व्यंग करना किसी पर, सेटायर लैम्पून ट्रेवस्टी वर्लस्क, ठीक है ये हैं आपके इसके मीनिंग। सोनेट एक 14 लाइन की एक वर्स होती है, कविता होती है, पोयम होती है, वर्स राइम उसको ओड भी बोलते हैं हम, ओड इसका एंटोनिम होगा आपका प्रोज। तो ये सारे वर्ड्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं वन हु वॉक्स इन स्लीप, जो नींद में चलता है उसको हम क्या बोलते हैं, और इसके लिए आंसर है सोमनेम्बुलिस्ट, सोमनेम्बुलिस्ट जो है इसके लिए सही आंसर है। न्यूमिसमेटिस्ट जो सिक्के इकट्ठे करता है, न्यूमिसमेटिस्ट। फास्टिडियस जिसको खुश करना बहुत मुश्किल है, डिफ़िकल्ट टू प्लीज। और ड्रोबर, ड्रोबर किसको बोलते हैं, जो एनिमल्स को लेके फील्ड्स में जाता है, चराता है उनको, उनको हम बोलते हैं ड्रोबर। ये है पैराजंबल के कुछ क्वेश्चन, और यहाँ पर पैराजंबल में सिंपल सी एक ट्रिक रहती है, पहले आपको नाउन को रखना है उसके बाद आपको प्रोनाउन को रखना है, ठीक है। बट से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता क्योंकि बट एक कंजक्शन है, तो सेंटेंस मोहनलाल से ये स्टार्ट हो सकता है, मोहनलाल के बाद आप लगा सकते हैं मोहनलाल ट्रेन वॉज लेट एंड इट रीच्ड कोलकाता अ लिटिल आफ्टर मिडनाइट, ठीक है। अब मोहनलाल की ट्रेन लेट थी और कोलकाता वो पहुंची मिडनाइट के बाद, इसके बाद आप बोल सकते हैं इट वॉज हिज फर्स्ट विजिट टू द सिटी, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमने एक जर्नी की बात की है और जर्नी के लिए यहाँ पर हमने इट का प्रयोग किया है, यानी पहले नाउन आया है फिर प्रोनाउन आया है। यहाँ पर हमने कोलकाता को यूज़ किया है नाउन को, और यहाँ पर हमने कोलकाता के लिए फिर सिटी वर्ड को यूज़ किया है, तो कॉमन सेंस कहता है कि आर के बाद क्यू इसमें लगना चाहिए,
ठीक है, ये हो जाएगा सेकंड। और इसके बाद आप यहां पर आ सकते हैं, ही थॉट ही वुड गो टू ए चौल्ट्री वेयर ही वुड नॉट हैव टू पे रेंट। चौल्ट्री एक रुकने का स्थान होता है ट्रेवलर्स के लिए, ठीक है। तो बट वाला सेंटेंस आप पहले नहीं लगाएंगे, पहले आप एक स्टेटमेंट बोलेंगे, उसके बाद आप कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करने के लिए एक दूसरा सेंटेंस बोलेंगे। तो पी पहले नहीं आएगा इसमें, एस पहले आएगा, यानी एस आपका बनेगा इसमें थर्ड सेंटेंस और पी इसमें बनेगा फोर्थ सेंटेंस। तो आर क्यू एस पी इसमें आपका सही आंसर होगा, आर क्यू एस पी। और आर क्यू एस पी यानी ये इसमें आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पैराजंबल का। एंड स्लोली से सेंटेंस नहीं बनेगा, सेंटेंस आपका यहाँ से वंस से भी सेंटेंस नहीं बनेगा क्योंकि वंस एक तरीके का कंजक्शन होता है। देन से सेंटेंस नहीं बनेगा, देखिए ये तीनों सेंटेंस मैंने निकाल दिए, देन इससे नहीं बनेगा, वंस से नहीं बनेगा, एंड से नहीं बनेगा। क्योंकि एंड स्लोली तो आप तब बोलोगे ना जब पहले कोई सेंटेंस बोलोगे, ठीक है, वंस से भी नहीं बनेगा। यहाँ से ये बन सकता है, इफ़ यू ट्रांसफॉर्म योर एनर्जी पॉजिटिवली इट नेचुरली बिकम्स कंपैशन एंड लव। और उसके बाद आप बोल सकते हैं वंस यू एक्सपीरियंशियली आर ए पार्ट ऑफ एवरीथिंग देन नोबडी नीड टू। इसके बाद आप ये वाला सेंटेंस बोल सकते हैं, वंस यू एक्सपीरियंशियली आर ए पार्ट ऑफ एवरीथिंग देन नोबडी नीड्स टू टीच यू मोरलिटी एंड स्लोली यू रीच द पिनेकल ऑफ सेल्फ अवेयरनेस एक्सपीरियंसिंग ए यूनिटी विद ऑल लाइफ। चूँकि यहाँ पर हम एक्सपीरियंशियली वर्ड को यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पर भी वो वर्ड आया है एक्सपीरियंसिंग, तो इसमें आप पहले बोलेंगे आर, फिर बोलेंगे आप पी, एक्चुअली ये क्यू है, ठीक है। तो पहले आप ये बोलेंगे आर, फिर बोलेंगे पी, और इसके बाद बोलेंगे आप ये वाला सेंटेंस पहले बोलेंगे, ये हो जाएगा थर्ड। वंस यू एक्सपीरियंशियली आर ए पार्ट ऑफ एवरीथिंग देन नोबडी नीड्स टू टीच यू मोरलिटी देन यू कैन डू समथिंग टू इम्प्रूव द सिचुएशन बट विदाउट एंगर। इसके बाद बन जाएगा ये वाला सेंटेंस, और इसके बाद ये बन जाएगा फर्स्ट, यानी आपका सीक्वेंस बनेगा क्यू पी आर एस। QPRS इसका सही आंसर आपका बन जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, नॉट ओनली पीपल हैव बाइंग के बाद कैपेसिटी आएगा, नॉट ओनली पीपल हैव बाइंग कैपेसिटी इन द सिटी पीपल हेयर आर ऑल्सो, यानी ये बन जाएगा फर्स्ट, ये बन जाएगा सेकेंड, और ये बन जाएगा थर्ड। YZX यहाँ पर आपका आंसर होगा, यह है एक्टिव पैसिव वॉइस। राम वॉज सिंगिंग अ ब्यूटिफुल सॉन्ग फॉर हिज मदर। यह है आपका सब्जेक्ट, यह है आपका वर्ब, और राम क्या गा रहा था, राम गा रहा था ब्यूटिफुल सॉन्ग, तो ब्यूटिफुल सॉन्ग बन जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट से आपका पैसिव वॉइस बनता है, यह है आपका फॉर हिज मदर, यह है आपका प्रपोजिशनल फ्रेज, ये एक्स्ट्रा है, यह बाद में लगेगा। तो यहां से सेंटेंस बनेगा ए ब्यूटिफुल सॉन्ग। अब चूंकि ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है इसलिए इसमें वॉज और बीइंग का प्रयोग होगा, ठीक है। वॉज और बीइंग इसमें नहीं दिया तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इसमें केवल इन दोनों में से आपका एक आंसर बन सकता है। अ ब्यूटीफुल सॉन्ग वॉज बीइंग संग बाय राम फॉर हिज मदर, अ ब्यूटीफुल सॉन्ग वॉज बीइंग संग फॉर हिज मदर बाय राम, इसमें आपका आंसर होगा ए, क्योंकि बाय राम को हम पहले लगाएंगे, प्रपोजिशनल फ्रेज को हम बाद में लगाते हैं। ये है आपका नरेशन का एक क्वेश्चन, प्रिया एडवाइस बी नॉट टू गो टू स्कूल द नेक्स्ट डे। अब देखिए नेक्स्ट डे इसमें आया है, ये जो क्वेश्चन है ये इनडायरेक्ट नरेशन का क्वेश्चन है, इनडायरेक्ट नरेशन को आपको डायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। तो चूंकि एडवाइस किया है और यहाँ पर द नेक्स्ट डे का प्रयोग किया है, इसलिए नेक्स्ट डे के लिए हम टुमारो वर्ड का प्रयोग करेंगे। टुमारो किस में आया है, टुमारो इसमें आया है, इसमें तो नेक्स्ट डे आया है तो ये तो होगा नहीं, और विल हम लगाते हैं एक्चुअली रिक्वेस्ट करने के लिए, लेकिन यहाँ पर सजेशन दिया जा रहा है तो विल इसमें नहीं आएगा। और
इसमें इसमें दैट लगा हुआ है, डायरेक्ट नरेशन में हम दैट नहीं लगाते तो ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ये सेकंड वाला, डोंट गो टू स्कूल टुमारो प्रिया सेड टू मी, ठीक है, प्रिया एडवाइज मी नॉट टू गो टू स्कूल द नेक्स्ट डे। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा, डोंट गो टू स्कूल टुमारो प्रिया सेड टू मी, यहाँ पर इसका आंसर होगा आपका बी। ये है आपका क्लोज टेस्ट। आपके सीजीएल एग्जाम में, आपके पेपर में या तो एक क्लोज टेस्ट आएगा या फिर एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा, दोनों में से कुछ एक पूछा जा सकता है, और ये 5 नंबर का ही पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं, इसको देखते हैं, जॉब परफॉर्मेंस इज बाय ए नंबर ऑफ फैक्टर्स, मोटिवेशन अलोन डज नॉट लीड टू इंक्रीज्ड परफॉर्मेंस। यहाँ पर हम परफॉर्मेंस के डिक्रीज या इंक्रीज होने की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर चूंकि हम फैक्टर्स की बात कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि जॉब परफॉर्मेंस जो है वो किस चीज़ से अफेक्ट होती है, मोटिवेशन से, एबिलिटी से, तो यहाँ पर जो आंसर होगा आपका इफेक्ट, यहाँ पर देखिए क्या चाहिए आपको, यहाँ पर वर्ब चाहिए क्योंकि इज लगाए तो वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, इसलिए इफेक्ट तो वर्ब नहीं है इसमें। और मेजर्ड और अफेक्ट को हम देखते हैं, इन्फ्लुएंस जो है वो ह्यूमन ओरिएंटेड वर्ड है। इन्फ्लुएंस क्या चीज़ होती है आपकी, आपका परसेप्शन या बिहेवियर जो है वो इन्फ्लुएंस होता है किसी व्यक्ति के द्वारा, और यहाँ पर हम एक्चुअली मेजर्ड की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम अफेक्ट की बात कर रहे हैं कि किस चीज़ से वो चीज़ अफेक्ट होती है, क्योंकि यहाँ पर हम देखिए देख रहे हैं कि द हायर द लेवल ऑफ एबिलिटी एंड मोटिवेशन द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, लेवल ऑफ परफॉर्मेंस की हम बात कर रहे हैं कि किस चीज़ से वो अफेक्ट होती है, तो इसलिए यहाँ पर आपका आंसर होगा अफेक्ट, जॉब परफॉर्मेंस इज अफेक्टेड बाय अ नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं, मोटिवेशन अलोन डज नॉट लीड टू इंक्रीज्ड परफॉर्मेंस, एबिलिटी एंड टेक्नोलॉजी मॉडरेट द रिलेशनशिप बिटवीन मोटिवेशन एंड परफॉर्मेंस। मतलब यदि एबिलिटी आपके अंदर अच्छी है तो मोटिवेशन लेवल हाई होगा, और टेक्नोलॉजिकली आप अच्छे हैं तो आपकी परफॉर्मेंस हाई होगी। द हायर द लेवल ऑफ एबिलिटी एंड मोटिवेशन द हायर द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस विल बी, इसमें एक्चुअली यहाँ पर एक ब्लैंक होना चाहिए, द हायर द लेवल ऑफ एबिलिटी एंड मोटिवेशन, एक्चुअली ये ब्लैंक है यहाँ पर, चलो कोई बात नहीं, इसमें जो कंपेटिटिव डिग्री होती है तो दो बार यदि कंपेटिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं हम, तो दोनों बार ही हम दा का प्रयोग करते हैं और दोनों बाद ही हम ER लगाते हैं, तो यहाँ पर जो आंसर होगा आपका वो होगा द हायर। However, increasing motivation beyond and level 10-2. अब देखिए यहाँ पर एक negative word है, यहाँ पर dysfunctional एक negative word है, तो इसलिए यहाँ पर हम कुछ यहाँ पर भी एक negative word ही चाहिए actually आपको, तो यहाँ पर हो जाएगा increasing motivation beyond and optimal होगा, optimal को हम negative sense में कभी कभी use करते हैं, optimal का अर्थ होगा कि सबसे ऊपर, तो यदि मोटिवेशन आपका सबसे ऊपर होता है, सबसे ऑप्टिमल लेवल पर पहुंच जाता है, तो इससे डिसफंक्शनल रिजल्ट मिल सकते हैं, क्योंकि मोटिवेशन लेवल जब सबसे ज़्यादा होता है तो उससे फिर एक्सपेक्टेशंस भी आपके आपकी बढ़ जाती हैं लोगों की आपके साथ, और आपका एंग्जाइटी लेवल भी उससे बढ़ जाता है, तो यहाँ पर आएगा आपका इंक्रीजिंग मोटिवेशन बियॉन्ड एन ऑप्टिमल लेवल 10-2। अब देखिए रिजल्ट को हम क्या करते हैं, रिजल्ट को हम डिड्यूस करते हैं, रिड्यूस करते हैं, डिड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, रिजल्ट को हम प्रोड्यूस करते हैं, तो यहाँ पर होगा आपका आंसर, यहाँ पर आएगा ऑप्टिमल लेवल, यहाँ पर आएगा प्रोड्यूस, और इसके साथ एंग्जाइटी का भी एक लेवल बनता है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर हम लगाएंगे बाय के साथ, हम किस वर्ड को लगाते हैं, बाय के साथ हम लगाते हैं एकम्पनीट को, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका एकम्पनीट, क्योंकि एफिलिएटेड के बाद बाय नहीं आता, अबेंडेंड के साथ बाय आ सकता है, लेकिन अबेंडेंड का कोई यहाँ पर सेंस नहीं बन रहा, अमलगमेट मतलब मिक्स करना, तो एकम्पनीट मतलब मोटिवेशन जब ऑप्टिमल लेवल पर पहुँच जाती है तो उसके साथ एंग्जाइटी भी आती है, तो एंग्जाइटी जो होगी ये यहाँ पर इसका सही आंसर आपका होगा। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो क्लास, यदि अच्छा लगा तो इसको ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए, और कोई फीडबैक आप देना चाहते हैं तो इन कॉल इन नंबर्स पर और व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं,
यदि कोई भी आपको इसमें एरर लगी हो, कोई भी गलती लगी हो, तो उसको इंडिकेट आप ज़रूर करें और उस चीज़ को मैं अप्रिशिएट करूँगा। इस नंबर पर आप मुझे अपना फीडबैक दे सकते हैं और इस ईमेल आईडी पर आप अपना मुझे कमेंट या फीडबैक आप दे सकते हैं। तो ये था सेट नंबर 5 2017 का, और नेक्स्ट सेट में और नेक्स्ट वीडियो क्लास में मैं आपसे फिर मिलूँगा। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही। इसको देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।